नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक के बाद एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। यमुना प्राधिकरण लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, अल्ट्रा पीआरटी सिस्टम से दिल्ली से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा। अल्ट्रा पीआरटी यानी पर्सनल ट्रांजिट सिस्टम के माध्यम से अब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा। यह एक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधा है। आइए जानें इस सुविधा के बारे में, किस तरह जोड़ेंगे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली से। देखें पूरी रिपोर्ट। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अब यमुना विकास प्राधिकरण ने दिल्ली से जोड़ने के लिए एक और आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। अब जेवर एयरपोर्ट को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट की तरह अल्ट्रा पीआरटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ने के विकल्प पर यमुना विकास प्राधिकरण ने काम शुरू कर दिया है। इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दिल्ली के न्यू अशोक नगर से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे के बरास्ते सीधे जेवर एयरपोर्ट तक ले जाने की तैयारी हो रही है। प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह के अनुसार इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट डीएमआरसी से तैयार कराई जा रही है। रैपिड ट्रेन के दिल्ली मेरठ ट्रैक का एक स्टेशन न्यू अशोक नगर है, जो नोएडा की सीमा पर है। दिल्ली के न्यू अशोक नगर से जेवर तक इसकी दूरी महज 65 किलोमीटर है। 65 किलोमीटर लंबा ट्रैक आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके निर्माण में भी मेट्रो से आधी लागत आएगी। यह मात्र 3,500 करोड़ में बनकर तैयार हो जाएगा। इसका ट्रैक एलिवेटेड होगा और 100 किलोमीटर की रफ्तार से अल्ट्रा पीआरटी इस पर पर्राटा दौड़ सकेगी। अल्ट्रा पीआरटी के एक डिब्बे में 20 यात्री आसानी से सफर तय करेंगे। इसके अलावा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कई रूट से जोड़ने की तैयारी यमुना विकास प्राधिकरण कर रहा है। ग्रेटर नोएडा से जेवर तक मेट्रो की डीपीआर बन चुकी है। जेवर से दिल्ली तक एलिवेटेड रोड बनने की भी तैयारी थी। फिजिबिलिटी है लेकिन फैसला नहीं हुआ है। वहीं दिल्ली से बनारस तक प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के ट्रैक पर जेवर के पास एक स्टेशन बनाए जाने का भी प्रस्ताव है। वहीं हरियाणा से दिल्ली पलवल मार्ग के द्वारा भी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने की तैयारी यमुना विकास प्राधिकरण कर रहा है। यमुना विकास प्राधिकरण की तैयारी है कि दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश के कोने कोने से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा। इसके लिए खाका और प्लान तैयार किए जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि ये पीआरटी क्या है। अल्ट्रा पीआरटी यानी पर्सनल रैपिड ट्रांजिट एक पॉड कार की तरह यातायात का एक आधुनिक सिस्टम है। यह एक इनोवेटिव अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ऑटोमेटिक सिस्टम कहा जाता है इसको। बहुत हल्का होता है और बहुत आसानी से आरामदायक सफर होता है इसका। 2002 में इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आविष्कार हुआ था। 2006 में यह ट्रैक पर आया। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट में इसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उपयोग होता है। दुनिया के कुछ और विकसित देशों में भी इस सिस्टम का उपयोग हो रहा है। आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल, सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यमुना प्राधिकरण और एनसीआर की बड़ी खबरों के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, पुश द बेल आइकन एंड शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक्स।